ये ब्लीच लग गई है, अगर ब्लीच हमारी बची है तो हम हाथों पे भी लगा सकते हैं और फटी एड़ियों पे भी लगा सकते हैं। फटी एड़िया भी ब्लीच से बहुत अच्छे से साफ हो जाती है और अच्छी हो जाती है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों जब चेहरा हमारा इस तरह से हो जाए, चेहरे पे हेयर अपर लिप्स आईब्रो बढ़ जाए और दाग वाला काला रंग हो जाए, तो ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर ही फेशियल और ब्लीचिंग कैसे करें, और ब्लीचिंग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए ब्लीचिंग से, जिससे हमारे दाग ना हो जाए, छाले ना हो जाए, स्किन जल ना जाए, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों जब चेहरा हमारा इस तरह से हो जाए, चेहरे पे हेयर अपर लिप्स आईब्रो बढ़ जाए और दाग वाला काला रंग हो जाए, तो ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर ही फेशियल और ब्लीचिंग कैसे करें, और ब्लीचिंग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए ब्लीचिंग से, जिससे हमारे दाग ना हो जाए, छाले ना हो जाए, स्किन जल ना जाए, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए। दोस्तों जब हमारा चेहरा इस तरह से काला हो जाए, चेहरे पर हेयर वगैरह हो जाए और स्किन ख़राब हो जाए, ग्लोइंग नहीं लगती स्किन, तो हम अपने चेहरे को ग्लोइंग करने के लिए ब्लीचिंग कैसे करें, तो ब्लीचिंग करने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे चेहरे पर छाले ना हो जाएं, जल जाती है ब्लीच से स्किन, तो वो सब मैं आज वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ब्लीचिंग से पहले दोस्तों कभी भी हमें अपर लिप्स नहीं बनवाने चाहिए और थ्रेडिंग भी नहीं करानी चाहिए। पहले सबसे पहले हम चेहरे को क्लींजिंग मिल्क से साफ़ करेंगे, फिर हम ब्लीचिंग करेंगे, ब्लीच के बाद अपर लिप्स थ्रेडिंग करेंगे और आईब्रो थ्रेडिंग करेंगे, फोरहेड करेंगे या फुल फेस थ्रेडिंग करेंगे। ब्लीचिंग से पहले कभी भी थ्रेडिंग नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे स्किन जल जाएगी और हमारे बहुत जलन होगी, चेहरा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले ब्लीच करेंगे, क्लींजिंग मिल्क लगाएंगे, फिर चेहरा साफ करके ब्लीच करेंगे, फिर उसके बाद थ्रेडिंग करेंगे, उसके बाद फिर फेशियल करेंगे। फेशियल पहले करके ब्लीचिंग बाद में भी नहीं करते, सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क से चेहरा साफ, फिर ब्लीच। तो ग्लोइंग फेस के लिए, ब्लीच के लिए पहले मैं क्लींजिंग मिल्क से साफ करूंगी चेहरे को। सबसे पहले बैंड से हेयर बैंड से मैंने हेयर सही करूँगी, जैसे ब्लीच ना लग जाए बालों में।
फिर क्लीजिंग मिल से कोई भी क्लीजिंग मिल्क ले सकते हैं या कच्चा दूध भी ले सकते हैं, कॉटन से लगाकर साफ कर लेंगे। अगर हमारे चेहरे पर पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, कट का निशान लगा हुआ है, किसी वजह से छाले हो रहे हैं, तो हमें ब्लीच नहीं करनी चाहिए। मैं ये वाली ब्लीच यूज़ करूँगी। इसे कैसे डालते हैं, अगर हमने इतना एक्टिवेटर लिया है तो इसे 5-6 चम्मच ज़्यादा हम क्रीम लेंगे। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो तब भी हमारी स्किन जल जाएगी। इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उंगली से ही लगाऊंगी, जिससे कि मुझे पता चल जाए कहीं रह गया हुआ एक्टिवेटर, तो उसे मैं इसे अच्छी से मैश कर सकती हूँ, जिससे मेरी स्किन खराब ना हो। अगर हम कस्टमर के लगाएंगे तो हम ब्रश से ही लगाएंगे, छोटे छोटे ब्रश भी आते हैं उससे हम लगाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कहीं एक्टिवेटर रह तो नहीं गया। सबसे पहले हम अपलिस पे लगाएंगे, अपलिस पे ही से ही हटाएंगे। फिर हम चिन पर लगाएंगे। नोज पर, फिर फोरहेड पर, सबसे बाद में चीक्स पे लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे गर्दन पर। जब तक हमारी ब्लीच होगी तब तक मैं हाथों की मसाज सिखाती हूँ आपको। इसके बाद हाथों की मसाज कर लेंगे। इससे फेस की मसाज भी कर सकते हैं। अपने आप हाथों के साथ यहाँ से शुरू करेंगे। ये पॉइंट दबाएंगे, ये
इसको दबाने से कमर का दर्द में आराम पड़ता है, उंगलियों के दबाने से, ये दबाने से साइनस ठीक होता है, ये दबाने से ये आँख का पॉइंट है ये ठीक, तो मसाज भी हो जाती है और हमारे पेन भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप हैंड मसाज कर सकती हैं डेली विंटर सीजन में। जब हमारी 15 या 20 मिनट हो जाएगी, 15 मिनट पर हम चेक कर लेंगे इस तरह से हटाकर कि ब्लीच हमारी हुई है कि नहीं हुई, फिर उसके बाद चेहरा साफ कर लेंगे। मसाज करते हुए लगाएंगी तो ज़्यादा अच्छी सी लगेगी, इस तरह से उंगली को गुलाई में घुमाते हुए। फोरहेड पर आईब्रो की शेप के हिसाब से कि आईब्रो के बाल हमारे गोल्डन ना हो जाएं। यहाँ कम लगाएंगे, ब्लीच लगाते समय हल्की सी जलन तो होती है, अगर ज्यादा जलन होती है हमारे तो एकदम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, चेहरे को साफ कर लेंगे। ज्यादा जलन इस तरह से आई पैड बना लेते हैं कॉटन के, गुलाब जल में भिगोकर पहले से रख लेते हैं और ये अपनी आंखों पर लगाकर थोड़ी देर आंखें बंद कर लेंगे और